पर और जो कल की वीडियो थी उसमें एकदम फंडामेंटल पार्टनरशिप में टीएस ग्रेवाल के सॉल्यूशन में हमने क्वेश्चन नंबर 10 तक कर लिए थे और 11 और 12 मैंने आपको करने के लिए कहा था, हालांकि आपने किया हो नहीं किया हो कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे समझा देता हूँ कि 11 12 में करना क्या था। देखो 11th वाला क्वेश्चन था कि अंकित बानू चारू तीन पार्टनर है, शेयरिंग रेशियो था प्रॉफिट लॉस इक्वली, आपको 2.5 लाख कैपिटल दे रखी है सबकी। 1 अक्टूबर को अंकित और भानु ने लोन दिया है 2.5 लाख का ईच, यानी कि अंकित ने भी 2.5 लाख का और भानु ने भी 2.5 लाख का। चारू ने लोन दिया है फर्म को ऑन द सेम डेट। अब यहाँ पे क्या करना था, दोनों की इंटरेस्ट निकलेगी 2.5 लाख के हिसाब से 6-6%, यानी कि इन दोनों को क्या होगा, इन दोनों को इंटरेस्ट मिलेगी और चारू 1 लाख पे 6% के हिसाब से, यानी कि क्या होगा 2.5 लाख का 6% निकालोगे है ना, और उसको आधा कर दो, क्योंकि यहाँ 6 महीने की बात हो रही है, ऐसे 1 लाख का 6% 6,000 और 6 महीने की बात हो रही है यानी 3,000, तो ये शो करना है कुछ नहीं। 12th वाले में आपसे पूछा था कि आपको बताना है कितना अमाउंट ट्रांसफर होगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, अभी हम समझेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। यहाँ पार्टनर निर्मल और पवन दो पार्टनर है, शेयरिंग रेशियो है 3:2। द फर्म हैड गिवन लोन टू पवन, फर्म ने पवन को लोन दिया है 5 लाख का। अब पवन को लोन दिया है तो पवन हमें इंटरेस्ट देगा, यानी कि क्या होगा ये टू साइड आएगा हमारा, अभी समझाता हूँ क्या होगा फायदा है हमारे लिए। 5 लाख का 10%, 1 अप्रैल को दिया है तो 5 लाख का 10% कितना होगा 50,000, ये 50,000 साइड में रखे। अब फर्म ने लोन लिया है 2 लाख का निर्मल से, कब लिया है 1 अक्टूबर को, तो 2 लाख पे 6% की ब्याज 12,000 साल की है, यहाँ 6 महीने की लगेगी यानी कि 6,000, तो 6,000 ये और 10,000 का घाटा, तो 10,000 और 6,000 16,000, 50,000 में से 16,000 गचे तो बचेगा हमारा कितना 34,000 का, ये प्रॉफिट ट्रांसफर हमारा करा जाएगा कहाँ, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। यहाँ तक हमारे क्वेश्चन नंबर 11 और 12 हो गए। अब मैं बात करूंगा आपसे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की, तो इससे क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको समझा देता हूँ कि हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट होता क्या है। देखो बेटा, क्लास 11th में आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाला चैप्टर पढ़ा होगा, उसमें आपने ट्रेडिंग अकाउंट बनाया होगा, ट्रेडिंग अकाउंट बना रहे थे कि हम माल बना रहे थे बेच रहे थे उसमें हमें कितना प्रॉफिट हुआ। उसके बाद हमने बनाया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्यों बना रहे थे हम, कि हमारे जो खर्चे हुए या फायदा हुआ उससे हमें एक्चुअल प्रॉफिट आ गया। उसके बाद बनती थी बैलेंस शीट, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट के बीच का हिस्सा होता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसमें जो हमारे पास प्रॉफिट है वो पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, हालांकि ये फर्म बनाती है। सबसे पहली बात, कोई भी अकाउंट जिससे आपको प्रॉफिट या लॉस निकल के आ रहा है वो हमारे नॉमिनल नेचर का होता है। नॉमिनल नेचर मतलब डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो सबसे पहले पापा वाला फॉर्मेट, पर्टिकुलर अमाउंट पर्टिकुलर अमाउंट। अब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हमारी फर्म बनाती है, तो फर्म के होने वाले सारे खर्चे कहाँ जाएंगे, डीआर में, और फर्म को होने वाले सारे फायदे कहाँ जाएंगे, सीआर में। फर्म को होने वाले सारे खर्चे कौन कौन से, फर्म ने पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दी टू साइड, फर्म ने पार्टनर को सैलरी दी, फर्म ने पार्टनर को कमीशन दी, ये सब क्या है हमारे टू साइड जाएंगे फर्म के लिए खर्चे हैं। बाई साइड देखो, बाई साइड में क्या है कि हमारे ड्रॉइंग्स करी पार्टनर ने तो ब्याज देगा, ऑलरेडी आप अभी क्वेश्चन करते हो, मैंने बताया कि ये प्रॉफिट एंड लॉस से बात बनता है, तो प्रॉफिट एंड लॉस से हमें क्या मिला था, नेट प्रॉफिट, यानी कि यहाँ बाई साइड में क्या आएगा, नेट प्रॉफिट। तो एक हम क्वेश्चन करके बताते हैं अभी, ताकि आपको ये थोड़ा सा, क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं आपके सामने। देखो बेटा, ए और बी पार्टनर है, ए की कैपिटल है 1 लाख और बी कैपिटल है 60,000, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज पेबल 6%। तो देखो, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म देगी, फर्म के लिए खर्चा है, ए को भी देगी और बी को भी देगी। 1 लाख का 6% 6,000 हो जाएगा और 60,000 का 6% 3600 हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत अब ये दोनों जोड़ दिया 9,600। उसके बाद क्या है, सैलरी 3,000 पर मंथ, सैलरी कभी भी ली जाएगी तो साल के हिसाब से ली जाएगी, 3,000 पर मंथ मिल रही है बी को, तो साल की कितनी हो जाएगी, टू बी सैलरी 3,000 पर मंथ, तो साल के हो गए 36,000। अब क्वेश्चन में क्या था, नेट प्रॉफिट दे रखा 80,000 का, नेट प्रॉफिट कहां जाएगा, बाई में जाएगा, बाई नेट प्रॉफिट 80,000। अब कुछ नहीं करना, 80,000 में से ये माइनस कर देंगे हम, इन दोनों को जोड़ देना, मान लो 10,000 में 10,000 जोड़े, 46,000 में 400 कम कर दो, 45,600। तो 80,000 में से 45,600 माइनस कर देना, 0 0 10 में जगह 4,
ये बचा 9, 5, 4 और ये भी, ये बचेगा हमारा कैरी ले लेना 34,400। अब 34,400 हालांकि यहाँ कोई रेशियो नहीं दे रखा तो बराबर बांट देंगे, तो 34,400 को 2 से डिवाइड करोगे तो 17,200 ए का और 17,200 बी का। ये कैसे शो होगा, यहाँ पे होगा टू प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट ट्रांसफर ए में और बी में, ए में 17,200 और बी में भी 17,200। तो बेटा आज की वीडियो में इतना ही, क्वेश्चन नंबर 11, 12 समझा दिया और मैंने क्वेश्चन नंबर थोड़ा 13 समझा दिया। अगली वीडियो में करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 से। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, शेयर करना मत भूलना, अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर